भारत खंड का इतिहास 17वीं शताब्दी में त्रासदी भरा रहा। इस यातना के पीछे की वजह औरंगजेब था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जहां खलनायक होता है, वहां नायक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज जैसे शूरवीरों का जन्म भी निश्चित होता है। पर क्या इनके अलावा ऐसा कोई इंसान था जिसने औरंगजेब के कुकर्मों का विरोध किया था? जी हाँ, उनका नाम था छत्रसाल बुंदेला। आपके मन में विचार आया होगा कि मराठों के इतिहास में उनका क्या योगदान था। असल में इनका स्थान मराठा इतिहास में तो नहीं, पर उस दौर में ऐसी परिस्थिति बन गई थी जहां छत्रसाल बुंदेला को भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह आज़ाद रहने की ज़रूरत पड़ी। आज की वीडियो में हम छत्रसाल बुंदेला और छत्रपति शिवाजी महाराज की उस मुलाकात पर चर्चा करेंगे जिसके कारण बुंदेलखंड का गौरवशाली इतिहास मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी, जहां मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी कहानियों का जिक्र होता है। महाराष्ट्र की तरह बुंदेलखंड का इतिहास भी विस्तृत है, पर ऐतिहासिक संसाधन के अभाव के चलते वो इतिहास काल के पर्दे के पीछे रह गया है। खैर, इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे छत्रसाल की व्यक्ति रेखा पर आते हैं। उनका खानदान राजपूत योद्धाओं से पूर्ण था, पर औरंगजेब के राज्य विस्तार मंशा के चलते छत्रसाल के पिताजी चंपत राय को अपने प्राण त्यागने पड़े। जब यह घटना हुई तब छत्रसाल मात्र 12 बरस के थे। ना ही उनके पास सेना बची थी और ना ही आजीविका साधन। इस कठिन परिस्थिति में छत्रसाल को औरंगजेब के लोगों ने अपने पास रख लिया और उन्हें एक काबिल योद्धा बनाया। इस घटनाक्रम में भी उन्होंने अपना अतीत भुलाया नहीं, प्रतिदिन क्रोध की भावनाओं से वे ज्वलित होते थे। परंतह बंधे हुए हाथ देखकर निराशा के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। छत्रसाल बड़े योद्धा साबित हुए, मुगलों ने उनका पूरा इस्तेमाल कर लिया। आज भी लोगों को पता नहीं कि जयसिंह और दिलेर खान के साथ 14-15 साल के छत्रसाल भी छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने आए थे। छत्रसाल के राज कवि लाल कवि ने छत्रसाल से जुड़ी हर एक बारीकियां छत्र प्रकाश इस ग्रंथ में लिखी है। आपको बता दूं कि लाल कवि एक योद्धा भी थे और अपने स्वामी छत्रसाल के लिए कई सारी लड़ाइयों में सहभाग भी लिया था। कवि कलश और धर्मवीर संभाजी महाराज जैसे उनकी जोड़ी थी। 1664 के साल में जयसिंह मुगल सेना लेकर दक्कन आए थे। पुरंदर की लड़ाई भी उस युद्ध का एक हिस्सा था। पुरंदर इस किले पर हुआ उस महासंग्राम में मुरारबाजी देशमुख ने शौर्य दिखाते हुए किला सुरक्षित रखने की कोशिश की। उनके प्राण चले जाने के बावजूद दूसरे मावड़ों ने मुगल सेना का सामना किया और दिलेर खान को परेशान करके छोड़ा। युद्ध के अंतिम चरण में दिलेर खान तो जीत गया, पर इसका कुछ फायदा हुआ नहीं। लाल कवि के अनुसार छत्रसाल भी इस युद्ध का हिस्सा थे और उन्होंने भी दिलेर खान के पक्ष में पराक्रम दिखाया था। लाल कवि लिखते हैं कि उनके स्वामी छत्रसाल ने दिलेर खान को युद्ध में मदद की, पर इसके बदले में दिलेर खान ने औरंगजेब के सामने छत्रसाल का जिक्र किया नहीं। नतीजन छत्रसाल को ना ही कोई इनाम मिला और ना ही उनकी बढ़ती हुई। इसके अलावा जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए तब औरंगजेब ने दिलेर खान और छत्रसाल को छिंदवाड़ा भेज दिया। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक शहर है। वहां के देवगढ़ किले पर दिलेर खान ने आक्रमण किया। इस युद्ध में भी छत्रसाल ने दिलेर खान की मदद की। वे बहुत घायल भी हो गए, पर फिर भी दिलेर खान ने औरंगजेब के सामने छत्रसाल का कोई जिक्र किया नहीं। इन दो युद्ध के बाद छत्रसाल को महसूस हुआ कि वो तो एक मामूली सैनिक की तरह मुगल फौज में है। इस तरह की घटनाओं ने उन्हें दुखी कर दिया। वे चाहकर भी आज़ाद नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके पास कोई फौज भी नहीं थी, बस कुछ मात्र करीबी लोग थे। उन्हें भी औरंगजेब ने नौकर बना के रखा था। इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी कुछ खबरें उन्हें पता चली। औरंगजेब के कैद से एक इंसान भागकर सही सलामत अपने वतन पहुंचता है। इस घटना ने छत्रसाल के इरादों को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने सोचा, छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले रहकर अपने वतन की देखभाल कर सकते हैं,
तो उन्हें भी महाराज की तरह बनना पड़ेगा। पर ये सब इतना आसान भी नहीं था, इसीलिए छत्रसाल को महाराज से मिलने की इच्छा होने लगी। परेशानी ये भी थी कि दिलेर खान उन्हें इतनी आज़ादी दे नहीं सकता था, अंतः उन्हें उचित समय आने का इंतजार करना पड़ा। साल 1672 तक छत्रसाल को इंतजार करना पड़ा। जिस इंसान ने छत्रसाल के पिताजी को मार दिया, उसी के लिए छत्रसाल नौकर बने हुए हैं। इस हीन भावना के साथ छत्रसाल 22 साल के हो गए। यहाँ लाल कवि ने यह भी लिखा है कि औरंगजेब ने जजिया कर लेना शुरू किया, हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर जबर कर वसूलना शुरू किया, मंदिर भी तोड़े गए। इन सभी बातों को राजपूत योद्धा नजरअंदाज कर रहे थे, पर अकेले शिवराज है जिन्होंने कड़ी निंदा की। छोटे छोटे प्रांत मिलाकर स्वराज्य बनाकर औरंगजेब के मंसूबे को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। ऐसे राजा से मिलने की इच्छा छत्रसाल को होने लगी। लाल कवि द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ इस बात को सिद्ध करती हैं कि औरंगजेब बड़ा क्रूर था। 1672 के साल में छत्रसाल दिलेर खान के साथ उत्तर दिशा में थे। दक्षिण दिशा में मराठों का मुलुक था, वहाँ कोई जाएगा तो सर कट जाता है, इस प्रकार की बातें मुगल सेना में होती थी। एक दिन छत्रसाल ने दिलेर खान से बाहर शिकार करने के लिए जाने की इजाज़त मांगी। दिलेर खान ने उन्हें अपनी छावनी के बाहर जाने की इजाज़त दे दी। छत्रसाल इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे और वहां से उन्होंने दक्षिण की तरफ रुख किया। कई सारे पहाड़ और घने जंगलों को उन्होंने पार किया। एक राजपूत राजा होते हुए भी वे जहाँ जगह मिलती वहाँ सो जाते। नक्षत्र और चंद्र सूर्य की मदद से वे अपनी दिशा तय करने लगे। इस रास्ते में उन्हें दो नदियों को भी पार करना था। सबसे पहले भीमा नदी और उसके बाद कृष्णा नदी को भी पार करना था। लाल कवि के अनुसार छत्रसाल ने लकड़ी की नाव बनाकर नदी पार की। बहुत सारे दिन गुजर जाने के बाद उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की छावनी दिखी। पुरंदर संधि के दौरान कई सारे मराठा सरदारों ने उनसे मुलाकात की होगी, इसीलिए 8 साल बाद छत्रसाल वहां पहुंचे तो उन्हें अपना परिचय देने की जरूरत पड़ी नहीं होगी। जब छत्रसाल शिव छत्रपति के सामने आए तो महाराज ने उन्हें पहली ही नजर में पहचान लिया। महाराज ने उनका सत्कार भी किया। उसके बाद छत्रसाल ने महाराज के सामने अपनी आप बीती सुनाई। सब सुनकर महाराज को बड़ा दुख हुआ। छत्रसाल महाराज से मार्गदर्शन चाहते थे। काफी सोचकर महाराज ने उनसे कहा, आप राजपूत क्षत्रिय हो, आप अपने वतन जाकर मुगलों को वहां से भगा सकते हो। इन बाहर से आए तुर्की लोगों ने मुझे भी बहुत परेशान किया था, पर मुझ पर माँ भवानी का हाथ है, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया। आप भी श्री कृष्ण का नाम लेकर मुगलों का नामो निशान मिटा सकते हो। अगर आपको मैंने अपने पास रख लिया तो आपका पराक्रम का फायदा मुझे होगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए आप अपने वतन जाकर अपने लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाइए। आपके पराक्रम की खबर मिलेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इतना कहकर महाराज ने उन्हें एक तलवार देकर अपने वतन जाने की नसीहत दी। छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलकर छत्रसाल में नया जोश निर्माण हुआ और अपने वतन जाकर उन्होंने अपनी सेना का गठन किया। सिर्फ 5 घुड़सवार और 25 तलवारधारी योद्धा थे। इतनी छोटी सेना को लेकर छत्रसाल ने बुंदेलखंड की आज़ादी का प्रण लिया और अगले 20 साल में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह छापा मार युद्ध नीति का इस्तेमाल करके बुंदेलखंड को मुगलों से आज़ाद करवाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वही छत्रसाल राजा थे जिनकी एक बेटी मस्तानी से पेशवा बाजीराव ने शादी की थी, जिनके बदौलत उनका बुंदेलखंड राज्य का नवनिर्माण हुआ। उन मराठों को छत्रसाल ने आधा बुंदेलखंड तोहफे के नाम पर दिया। दुर्भाग्य है इस जमाने का जहां स्कूल के किताबों में इन घटनाओं का जिक्र तक नहीं होता, बजाय इस बात के कि उन घटनाओं से जुड़े सब सबूत मिल जाते हैं। असली इतिहास लोगों तक पहुंचाने का समय आ चुका है। हमारे चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करके आप इस इतिहास को आम जनता तक पहुँचा सकते हो।